प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी स्वाधीनता, हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी इसी तरह फ्लॉरिश हो, पुष्पित पल्लवित होते हुए हमें दुनिया के अग्रणी राष्ट्र के रूप में ही स्थापित ना करें, बल्कि जिस सनातन परंपरा और मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधि ये राष्ट्र अपने उद्गम से, अपने आरंभ से रहा है, उसी तल, उसी धारा को लेकर हम पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं और अपनी इस पहचान को और अधिक मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ें। उन अमर शहीदों को, सेनानियों को इस अवसर पर प्रणाम, जिन्होंने तिरंगे के लिए, स्वाधीनता के लिए, आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आज़ादी एक ऐसी चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, अमूल्य है, आप इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। एक आज़ादी वो होती है जिस आज़ादी में हम ये कहते हैं कि अब मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई मुझे टोक नहीं सकता, अब ये सारी चीज़ें मेरी हैं, मैं जिस धरती पर हूँ, जिस धरा पर हूँ, जहाँ हूँ, ये सब कुछ मेरा है। इस भाव को आप अगर महसूस करते हैं बहुत गहराई से तो आप आज़ादी के उस आनंद को महसूस कर पाते हैं जो अद्भुत है। लेकिन कोई भी अमूल्य चीज़ अपने साथ दायित्व बोध भी लेकर आती है और आज़ादी के साथ भी एक गहरा दायित्व बोध हम सबके साथ है। अक्सर शायद हम आज़ादी की खुशी में उस दायित्व बोध को ठीक से देख समझ नहीं पाते हैं या देख समझ कर भी कई बार उसे नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन स्वाधीनता के मायने, मूल्य और किस तरह के दायित्व बोध के साथ स्वतंत्रता और अधिक आनंददायी होती है, क्योंकि ये मैं का प्रश्न नहीं है। मैं का प्रश्न है भी तो मैं के साथ हम का विराट स्वरूप यहाँ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। आज निश्चित रूप से एक बार फिर बधाई के साथ हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर, इसके विभिन्न आयामों को समझने के लिए अपने विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस परमज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ चलेंगे। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना और बंसल न्यूज के हे प्रभु आनंद दाता के रसिक दर्शकों और श्रोताओं को जो है आज स्वाधीनता की कोटिशाह शुभकामनाएं, बधाई, और इस विश्वास के साथ भी कि प्रत्येक घर में तिरंगा लहरा रहा होगा और आनंद से प्रत्येक व्यक्ति आज़ादी के आनंद में सरोवर होकर के राष्ट्र प्रेम की अविरल धारा में बह रहा जी, जी। इस भावना के साथ आज हम अपने स्वाधीनता विषय पर अपने चिंतन को विचार मंथन में रखते हैं जी। देखिए, बहुत सुंदर सा अर्थ यदि आप स्वतंत्रता की व्याख्या अध्यात्म के आईने से करेंगे तो उसकी व्यापकता की अनुभूति आपको। अरे वाह जी, आपने आज एक बड़ी अच्छी बात कही कि कोई रोके ना, कोई टोके ना, वो आज़ादी नहीं है, वो स्वतंत्रता नहीं है। उसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है परम स्वतंत्र ना सर पर कोई, अर्थात आपकी छत ही ना हो ऐसी स्वतंत्रता किस काम की। स्वतंत्रता का अर्थ होता है दायित्ववान हो जाना, स्वतंत्रता का अर्थ होता है कर्मठ और कर्मवान पुरुषार्थी हो जाना। वाह, स्वतंत्र है, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र कब आएगा, जब आप स्वधर्म का आचरण करेंगे जी। स्वधर्म का आचरण करने से आप क्या हो जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे। वाह वाह, ध्यान रखिएगा, जब आप स्वाधीन हो जाएंगे तब आप जन बन जाएंगे, तब आप जन बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जन केवल स्वाधीन परिक्षेत्र का व्यक्तित्व होता है, जन केवल उस देश का नागरिक हो सकता है जो स्वतंत्र हो, जहाँ स्वाधीनता हो, जहाँ स्वधर्म का निष्पादन किया जा रहा हो, ठीक बात, तो वो जन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और जब वो स्वधर्म का अनुपालन सुनिश्चित करके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाता है तो वो जन के बाद गण हो जाता है।
अच्छा अच्छा, तब वो ग्रहण हो जाता है क्योंकि उसमें अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने लगा। हाँ। वो मत देने जाता है, उसे मालूम है, क्योंकि उसने स्वातंत्र में जो तंत्र है उसको लोक से जोड़ दिया है, स्व से हटा दिया है, तब लोकतंत्र की स्थापना होती। ध्यान रखिएगा, आप उस भारत भूधरा के स्वतंत्र नागरिक हैं जिसके बराबर त्रिलोक में, विश्व में कोई स्वतंत्र देश नहीं है, क्योंकि वहां लोकतंत्र पल्लवित पुष्पित होता है। आदिम और आदिगत परंपराओं से लोकतंत्र यहां स्थापित है। ये वही देश है जहां एक राजा अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाता और किसी दूसरे के पुत्र को उठाकर उत्तराधिकारी बना देता है। हजारों साल पहले शांतनु इसके उदाहरण है, महाभारत काल में, आप ध्यान रखिएगा। वहां योग्यता के आधार पर तंत्र चलता है, वंश के आधार पर तंत्र नहीं चलता। तो इसलिए हमारा भारत तो है बुनियादी तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहा हुआ है, अतीत से, पुराणगत प्रक्रिया से। ध्यान रखिएगा, ये वही देश है जहां चाणक्य एक गाय चराते हुए व्यक्ति को उठाकर लाते हैं और उसमें वो प्रतिभा देखते हैं और उसे सम्राट चंद्रगुप्त बना देते हैं। ये वो देश है, लोकतंत्र का अर्थ समझिए आप। तो लोकतंत्र कब होता है? जब स्वतंत्र जो है, स्व का तंत्र जो है वो लोक में समाहित हो जाता है जी, तब फिर आप गण बन जाते हैं। तो इसलिए आजादी का या स्वतंत्रता का उपयोग करना है तो सबसे पहले लोक के साथ जुड़िए, लोकतंत्र की स्थापना में अपना योगदान दीजिए, तो फिर आप जन के बाद गण हो जाएंगे, जन के बाद गण। और जैसे ही गण आप हुए और स्वाधीनता का धर्म आपका अपना धर्म हो गया, स्वधर्म हो गया, तब फिर आप मन हो जाते, जहां भेद नहीं होता, तब फिर आप जनगण मन हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, तब फिर अधिनायक व्यवस्थाओं की प्रक्रिया इतनी सुंदर व्याख्या। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में मूलतः अंतर है। स्वतंत्रता मर्यादाओं से बना हुआ है। आप तो इसको और दूसरे रूप में कह ले कि अगर हम स्वतंत्रता को परिभाषित करें तो एक मनुष्य में संपूर्ण मनुष्यता का संचार हो जाना भी उसकी स्वतंत्रता है। बहुत सुंदर व्याख्या, संपूर्ण मनुष्यता का संचार हो जाना, बहुत सुंदर। एक मनुष्य के रूप में पैदा हो जाना आवश्यक नहीं है, मनुष्यता आप में आना, मनुष्य का तत्व विकसित हो जाना आप में। तो हमारे यहाँ तो इसीलिए स्वधर्म की स्थापना के लिए परमात्मा अवतरण लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता में धर्म निरपेक्ष, संप्रदाय निरपेक्ष होता है, संप्रदाय रंग की तरह होता है स्वतंत्रता में। ध्यान रखिएगा, एक लोकतंत्र की स्थापना में संप्रदाय जो है, चूंकि संप्रदाय का स्वरूप सापेक्ष है, संप्रदाय को निरपेक्ष रखा गया है, इसलिए हमारे संविधान में लिखा है संप्रदाय निरपेक्ष, तटस्थ भाव हो गया। तो संप्रदाय काय का काम करेंगे? रंग का काम करेंगे। रंग बन गए हैं अलग अलग स्थानों में, अब जब रंग बन गए हैं तो उनसे, रंग से एक स्वरूप प्रकट करो आप, तो स्वरूप होता है स्वधर्म, स्वरूप होता है स्वधर्म। जितने रंग होते हैं उतना सुंदर स्वरूप होता है, जितने प्रकार के रंग होंगे उतना स्वरूप बनेगा, लेकिन रंगों को एक मर्यादा में रहना होगा। इसलिए रंग रूपी संप्रदाय निरपेक्ष होता है और धर्म जो है सापेक्ष होता है, तभी राज का धर्म है, जन का धर्म है, धर्म धारेण इति धर्मा। तो वहां पर स्वधर्म की स्थिति है, स्वधर्म को करिए, तभी। ध्यान रखिएगा, स्वधर्म का अर्थ होता है अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना। कितनी गूढ़ बात कही थी अंग्रेजों के सामने और कितना गूढ़ संदेश दिया था अध्यात्म के उस चितेरे ने, जो लोकतंत्र की बुनियाद रखने में और देश को स्वतंत्र बनाने में जिनकी महती भूमिका है। उन्होंने कहा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सिद्ध अधिकार है। ध्यान रखिएगा, और अधिकार का अर्थ ये नहीं होता कि अब हम स्वतंत्र हैं तो चाहे जो करें। लोकतंत्र में होता क्या है, प्रत्येक तंत्र लोक है, तो प्रत्येक का कर्तव्य। आप कहें भारत कहाँ है, आप भी भारत हैं, मैं भी भारत हूं, हर वो व्यक्ति जो कर्मनिष्ठ है वो भारत है, हर वो व्यक्ति जो समर्पित है वो भारत है। मुझे ध्यान आता है कि जब प्रभु राम ने लंका जीत ली, सोने की लंका, वो श्रेष्ठतम लंका जो शिव ने समर्पित की थी रावण को, जिसके कणकण में सोना विद्यमान था, चंवूर स्वर्ण सोने की लंका, जहां देवता सचराचर श्रेष्ठ समाहित थी, वो सोने की लंका जब जय हो गई, तो एक रामायण की कथा के अनुसार, अनेकों अनेक रामायण है, तब लक्ष्मण ने कहा था, भैया अभी तो सोने की लंका अपने को मिल गई, तो क्यों ना अपन यहां रहे, मैया भी यहां है,
बुला लेते हैं सभी लोगों को और सब लोग आकर यहाँ रहेंगे। तो प्रभु राम कहते हैं नहीं, ये जो है ये उस महल की तरह है जो आक्रांता का महल है, इसे परतंत्रता कहते हैं। परतंत्रता को परिभाषित करेंगे तो क्या हो जाएगा, आक्रांता का महल। तो स्वतंत्रता क्या है, तुम्हारा अपना शांति ग्रह, तुम्हारा अपना घर। तो वो कहते हैं जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरिष्यति। बाबा तुलसी से किसी ने कहा कि आप बताइए सबसे बड़ा वेदना और दुख और पाप का कारण क्या होगा, तो वो कहते हैं पराधीन सपने सुखनाए। तो स्वाधीन का अर्थ क्या होता है, आप अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, स्वाद को, स्वार्थ को, सबको नियमित जब कर लेते हैं तब आप स्वतंत्र होते हैं। अरे बहुत सुंदर बात है, वाह वाह वाह, आपका स्वार्थ तंत्र खत्म हो चुका है। क्या बात है, क्या मैं तिरोहित हो गया है, आपका है ही नहीं वहां पर, आपका स्वार्थ खत्म हो गया। वाह, आप जब असीमित हो जाते हैं तब स्वतंत्र होते हैं, सीमाओं के बंधन में नहीं रहते। कैसे होंगे स्वतंत्र, ठीक बात, सीमाओं के बंधन में आप नहीं होते। वो कहते हैं बाबा बरुभल बास नरक कर ताता और दुष्ट संग जन देई विधाता, वहाँ कुसंग नहीं होता, जो स्वच्छंद है वो कुसंगी होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक, स्वतंत्र संगी होता है, ठीक बात है। स्वतंत्रता में वो समर्पण की स्थिति होती है और जो स्वतंत्र होता है उसे भारत का संबोधन दिया जाता है। आप ध्यान रखिए अर्जुन के विविध नामों में एक नाम भारत है और ये भारत का संबोधन केवल अर्जुन को नहीं, हर उस वीर को संबोधन मिला है पुराण में जो श्रेष्ठतम धर्म संस्थापन के लिए और राष्ट्र के लिए और समाज के लिए कर्तव्य करता है, जो समाहित हो जाता है, जो दुराचार का अंत करता है। देखिए कितनी जगह लिखा, तेजा क्षमा घृति शौचम द्रोणति मानता भवंत संपदम देवी भजा तश्व भारता। इतने गुण जिसमें है वो भारत है। वाह वाह, इसमें गुण जिसमें है वो भारत है, ध्यान रखिएगा। अवगुण परतंत्रता है, सदगुण स्वतंत्रता है। अरे क्या बात है, प्रणाम है सर, वाह। अवगुण परतंत्रता बहुत सुंदर बात, तो तुम अवगुण से मुक्त हो क्या? आपने हमेशा गीता के उस गूढ़ ज्ञान को समझने का प्रयत्न नहीं किया जिसमें परमात्मा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत भारत, भारत में जब भी ये स्वधर्म का हनन होगा, भारत में जब भी स्वाधीनता विखंडित होगी, तब मैं शंखनाद करता हुआ प्रकट होऊंगा और धर्म संस्थापन करूंगा अर्थात राष्ट्र का निर्माण करूंगा। तभी महाभारत कहा गया है, आप समझिए मेरी बात को, महाभारत विश्व की प्रक्रियाओं में हमारे यहाँ इस धरा को, इस पृथु को, पृथु ने सबसे पहले इसकी पूजा की, इस धरती को इतना पावन माना गया है कि इस धरती पर जब भी अधर्म का भार भरा है, जब भी आक्रांता आए हैं, जब भी परधर्म यहाँ पर आया है, जब भी यहाँ दुराचार और स्वच्छंदता आई है, मैया पीड़ित होकर गो का स्वरूप बनाकर चली है। ध्यान रखिएगा कितनी गुड़ बात कही गई है, और गो का स्वरूप बनाई है तो 33 कोटि देवता उनके साथ गए हैं, कोटि उच्च कोटि निम्न कोटि वैरायटी की बात कर रहे हैं, 33 प्रकार के। तो वो 33 प्रकार क्या थे, 10 दिशाएं एकत्रित हो गई, शंखराद हुआ। जैसे हमारे यहाँ जब हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने शंखनाद किया तो 10 दिशाएं एक हो गई, 10 ये हो गए। फिर क्या हुआ, पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेन्द्री मन बुद्धि चित्त अहंकार से सारी इंद्रियां एकाग्र भाव में जागृत हो गई, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं तेरा, हमारा है, अस्तित्व का प्रश्न है। तो 10 वो जागृत हो गए, 20 5 तन्मात्राएं आ गई, शब्द रस रूप रस गंध, शब्द रूप मैंने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अर्थात देखा भी तो देश को, छुआ भी तो देश को, सुगंध भी लिया तो देश की माटी का, सुना भी तो देश को, किया भी तो देश को। ये तन्मात्राएं उसमें स्पष्ट हो गई, तो जब आ गई तो अष्ट सिद्धि आपके साथ आ गई और ये 33 बन गए, ये सब गए एक साथ पुकार लगाने कि जागृत हो जाओ, तो ये आत्मदेव प्रकट हो गए। आत्मा तभी जागृत होती है, स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, जब आप सुख की ओर बढ़ते हो, सुख का धाम है स्वतंत्र हो जाना। तो आप ये मत समझिए हम तो एक सरकार की व्याख्या करके बैठ जाते हैं, हर बार चिंतन में सोचते हैं सरकार हमारे लिए ये कर दे, सरकार हमारे लिए वो कर दे, तो हम भूल जाते हैं सरकार कौन है, आप ही तो सरकार हो। आप क्या कर रहे हो महतारी के लिए, माँ से कितनी शिकायत है, माँ तुमने ये नहीं किया, माँ तुमने वो नहीं बनाया, माँ कभी कहती कि तुमने मेरे लिए क्या किया,
तो जब आप अपनी माँ के लिए कुछ करने जाते हैं तब राष्ट्र धर्म को पूरा करते हैं। वो भी देखती है अपनी लालों को, वो कहती वो एक लाल थे, वो एक लाल थे जो फांसी पर चढ़ रहे थे और सामने खड़ा वो अंग्रेज मुस्कुराता हुआ कह रहा था तुम्हारी फांसी अभी भी टाली जा सकती है, तुम वंदे मातरम मत बोलो, तुम भारत माता का जिंदाबाद के नारे ना लगाओ, तुम तो अंग्रेज जिंदाबाद एक बार बोल दो ये फांसी का फंदा हटा देते हैं। तो भगत सिंह आकर चूमते थे, अरे भैया ये तो कोटि जन्मों का फल मुझे मिला है कि मैं महतारी के काम आ रहा हूं। वो सीमा पर खड़ा हुआ वीर जो है वहां से दुश्मन की आवाज सुनाई पड़ती है, छोड़ देंगे हट जाओ पीछे, वो कहते हैं एक इंच भी जमीन ना दूंगा अपने हिंदुस्तान की। पढ़ता है वो चितेरा, तब माता गौरवान्वित होती है और वही भाव से आपको भी देखती है। आपके जीवन में तो नित्य युद्ध हो रहा है स्वार्थ और परमार्थ में, कर्तव्य और अकर्तव्य में। जिस जमीन पर पहली बार तुम प्रकट हुए, जहां तुम्हारा जन्म हुआ, जिस धरा ने तुमको गोद में लिया, जहां तुम नाथ अनाथ सभी स्थितियों में पड़े रहे, जहां सुख दुख तुमने प्राप्त किया और फिर जब जीवन की शाम हो गई तो उसी जमीन में जहां सो गए, मैया ने आंचल फैला के ले लिया वापस, आजा बेटा मेरे पास में, उस जमीन के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है उस भूमि के प्रति। ये महज टुकड़ा नहीं है जमीन का, ये केवल भाव नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को रंग दे बसंती चोला कर दिया, ये भाव जागृत करने का उपक्रम है। अनवरत सोचिए, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेकर चलो। कितनी तड़फ भरी है तुम में तुम्हारे अपने मन के लिए। सिनेमा देखने जा रहे हैं तो तड़प रहे हैं, दुख मिल गया तो तड़प रहे हैं, याद आ गई प्रीतमा की तो तड़प रहे हैं। तुम्हारे जीवन में तड़प ही तड़प है हमेशा, छटपटाहट है, लेकिन एक तड़प कौन सी, पिताजी कहते थे तड़प है मन, तड़पने में बड़ा आराम आता है। तड़प है मन, तड़पने में बड़ा आराम आता है, कि लब पर हर तड़प के साथ वतन का नाम आता है। वाह, आप भूल जाते हैं, आप केवल गीतों में याद रखते हैं, आप अपने चिंतन में अपनी प्रक्रियाओं में भूल जाते हैं। आप ध्यान रखिए, भारत भूधरा, भारतवर्ष, आर्यावत, अजनाब खंड, हिंदुस्तान, इंडिया होने के पहले बहुत कुछ था। ठीक बात है, बहुत सुंदर बात कही आप। इंडिया तो वो आक्रांताओं ने आकर नाम दिया था, हमने उसे भी सम्मान से स्वीकार किया और बताया कि तुम हमें क्या पुकारते हो इससे अंतर नहीं पड़ता, हम क्या हैं इससे अंतर पड़ता है। ठीक बात है, हम क्या हैं, अपने अस्तित्व को बना करके हमने लोगों के सामने प्रकट किया। हम तब विश्वगुरु थे, हमारी संस्कृति में तब विश्वगुरु की उपाधि उपलब्ध थी जब दुनिया में अकार मकार भी नहीं था, काखा गागा भी नहीं था, ए फार एप्पल और बी फार बाय भी नहीं था। हम तब सोने की लंका में रह रहे थे, तब ऐसे भूखंडों में जब वहां पर नाना प्रकार के जीव जंतु विचरण किया करते थे, जिनकी जिनके फिल्म देखने जाते हैं, बड़े बड़े मुंह कान के जीव जंतु, जब तुम्हारे यहाँ हजारों लाखों साल पहले वो विचरण करते थे, तब हमारे यहाँ राम राज्य था, तब हमारे यहाँ कृष्ण विद्यमान थे, तब हमारे यहाँ राजाओं की वो परिपाटी थी जिसमें प्रत्येक प्रजा में हर्ष था। ध्यान रखिए, पुरु के पास आया सिकंदर, राजा पुरु के पास आया सिकंदर, प्रतीक्षा में बैठे हैं चाणक्य कि वहां से निकल कर आए तो मुझे सौभाग्य मिले वध करने का। वो पुरु के पुरुषार्थ को जानते हैं, पुरु के जीवन की संरचना ये है कि जननी जन्मभूमिश्चो, वो सौभाग्य मानता है, आहा ये विश्व का सबसे बड़ा लुटेरा मेरे दरवाजे पर आया है, आज मुझे युद्ध का अवसर मिला है महतारी, आज तेरे आंगन पर खेलूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। पुरु अपना पौरुष दिखाने पहुंचता है, उसके युवा पुत्र उसके साथ है, पिताश्री हम हैं, ऐसे पौरुष से युद्ध करता है पुरु कि उसके युद्ध को चमत्कृत मुद्रा में देखते रह जाता है सिकंदर। सिकंदर उससे युद्ध करने नहीं आता, ध्यान रखिए दो तत्व इतिहास प्रसिद्ध हैं। सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई पुरु के साथ तलवार में सामना करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अकबर के चित्त में कभी भी नहीं आया कि मैं महाराणा प्रताप का सामना करूं। ये पुरुषार्थी है स्वधर्ममान लोकतंत्र के चितेरे। तो जब पुरु को वो युद्ध करते देखता है, जिसके पुत्र हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे रहे हैं, भाल पर तिलक लगाकर, अभिषेक सजाकर, हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर जा रहे हैं महतारी और बहनों के बीच से,
आज युद्ध है, आज उत्सव है, आज किसी ने मेरी महतारी की तरफ देखा है, वो जा रहे हैं वहां दीवानगी, ऐसा युद्ध कर रहे हैं, ऐसा समर कि सिकंदर की सेना छिन्न भिन्न हो गई, भाग बड़ी। सिकंदर ने अपनी ध्वज पताका जमीन में लहरा दी, वही ध्वज पताका जो त्रिलोक में भारत की लहराते रहती है, हमेशा ऊंची उठी रहती है, पुरु के हाथ में उठा हुआ ध्वज और सिकंदर का ध्वज जमीन पर। वो लोगों से कह रहा था कि सुनो सुनो, जिसको इस ध्वज की मर्यादा का भान नहीं है, उधर देखो ध्वज कैसा उठा हुआ है, वो इसमें इसको पार करके जाए। सैनिकों का आत्मबल जागृत होता है, वो पलटते हैं, और जब अकेले पुरु लड़ता है सैकड़ों के साथ, तो उसके सुंदर दिव्य शरीर और शस्त्र विद्या को देखकर स्तंभित हो जाता है सिकंदर। और जब पुरु शस्त्रविहीन होता है और खड़ा होता है, तब सिकंदर के सिपाही उसे जब पकड़ते हैं, तो पुरु पूछता है, हे वीर महावीर, तुम्हारे साथ मैं क्या करूं? अरे बोले, वही करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। वो पराधीन थे नहीं था, वो स्वाधीन था, वो चूमना चाहता था उस तलवार को जो उसका शीश काट दे। लेकिन सिकंदर तो नतमस्तक था ना, जाते जाते बैरागी होकर गया है यहां से, और मृत्यु को आलिंगन किया है, और कहते गया है, गर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। बहुत जीवन का सार उसको तब समझ में आया है। गोस्वामी जी, समाप्त करते करते, हमारा जो तिरंगा है एक अद्भुत है, इस ध्वज के नीचे ऐसा लगता है कि हम महतारी के नीचे खड़े हैं, हमारी माँ का आंचल मातृत्व से, ओज से, तेज से, संरक्षण से, शक्ति से हमारे सर पर लहरा रहा है। तिरंगे पर आपकी भाष्य और टीका सुनने की भी बड़ी इच्छा है हमारी। बड़ी सुंदर बात आपने कही, आपने तो सुंदर अलंकरण कह दिया कि महतारी के आंचल के नीचे जैसे हम खड़े हों वैसा होता है, लेकिन ये तिरंगा जो है अनंत आकाश की ऊंचाई को खबरदार करते हुए कहता है कि जहां जहां इस ध्वज पताका की आहट पहुंच रही है, हवाएं भी जब वहां से निकलती है तिरंगे के सामने से, तो प्रणाम करके निकलती है कि ये शौर्यवानु का प्रतीक है, ये वहां उनको ध्वज को जो है लहराते ध्वज को प्रणाम करके निकलती है। तीन उसके रंग जैसे मुझे लगता है उद्भव स्थित संहार के प्रतीक हैं। वो उद्भव भी करता है, वो संस्थापन भी करता है, और वो संहार में भी समर्थ है। तिरंगा के तीन रंग जैसे शिव के त्रिनेत्र हैं, विद्यमान है जिससे सृष्टि बनती है, और वो अपनी प्रक्रियाओं में, मुझे तो हमेशा जब भी तिरंगा लहराता है मुझे ऐसा लगता है कि भारत माँ जो है अपने दोनों हाथ उठाकर आशीष दे रही हैं और कह रही हैं कि सदा खुश रहो और आगे बढ़ो। ये उनकी उन्नत तिरंगा एक मस्तक की शोभा भी होता है। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ ध्वज हमेशा प्राचीर के ऊर्ध्व भाग में लगा होता है, तो तिरंगा हमेशा ऊपर इसलिए लहराता है कि अनंत ऊंचाई जहां भी मिले, उसके सामने आकाश की ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई, आकाश की अनंतता और समुद्र की गहराई सब विलुप्त हो जाती है वो तिरंगा। ठीक बात है। वो तीन रंग जो हैं जीवन में वो आपके जीवन में सुख शांति वैभव यश के प्रतीक हैं। तो सदैव जो ध्वज को प्रणाम करता है, जो ध्वज को सम्मान देता है, ध्यान रखिएगा आप, यही ध्वज मैंने अभी आपको उदाहरण में बताया था, पुरु कभी पराजित नहीं हुआ क्योंकि पुरु के हाथ में ध्वज हमेशा उठा रहा। वाह वाह। तो ध्वज जो है वो हमारा मस्तक है उन्नत, हम जैसे महतारी को देखते हुए प्रणाम कर रहे हों, तो सदैव ध्वज के प्रति सम्मान रखें, सदैव इस मातृभूमि के प्रति सम्मान रखें, सदैव अपनी स्वाधीनता और स्वधर्म का निर्वहन करें। स्वतंत्रता तुम्हारा कर्तव्य है, स्वतंत्रता तुम्हारा दायित्व है, फिर अधिकार तो अपने आप लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। बहुत सुंदर बात आपने कही, और तिरंगे की ये व्याख्या तो बहुत अद्भुत रही। तो ध्वज का सम्मान यानी उस राष्ट्र का सम्मान जिसके आप निवासी हैं, आपका स्वयं का सम्मान, आपके कुटुंब का सम्मान, आप जिस प्रदेश के वासी हैं, जिस शहर के वासी हैं, उसका सम्मान, ये सब सन्निहित है, सब इसी में समाविष्ट है, सब इसी में मिला हुआ है, क्योंकि आप ही तो राष्ट्र हैं। कितनी सुंदर बात। और स्वतंत्रता है क्या, एक विस्तृत संदर्भ में स्वतंत्रता अपने उन दुर्गुणों से मुक्ति है जो हमें तंग नजरिए से सोचने पर मजबूर करते हैं, जो ये कहते हैं कि जो अपना पेट हाहू मैं ना देखूं काहू,
मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरा ही सब कुछ श्रेष्ठ है, नहीं। आप कभी भी उस राष्ट्र से, और वो भी भारत जैसे राष्ट्र के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं, जिसकी अद्भुत संपदा है, जिसका अद्भुत मौसम है, जिसमें सारी ऋतुएं जो विश्व के अलग अलग भूभागों में आकार लेती हैं। सोचिए भारत में जहां -40 और -45 टेम्परेचर है, वहीं जैसलमेर का रेगिस्तान धधकता रहता है, कहीं हरितिमा 12 महीने खिली रहती है, तो चेरापूंजी और पूर्वोत्तर के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा का क्रम नहीं टूटता है। ऐसे अद्भुत राष्ट्र के हम निवासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा और नर्मदा बहती हैं, और ये कलकल नदियां अपने मातृत्व भाव से हम सबको सिंचित करती चलती हैं। और बहुत सुंदर, आज मैं भाव से भर गया जब आदरणीय गोस्वामी जी के माध्यम से ये सुनने को मिला कि राष्ट्र धर्म स्वतंत्रता स्वाधीनता वास्तव में क्या है, और तिरंगे के ये तीनों रंग और ध्वज कितना महत्वपूर्ण है, ये जानकर भी मन आनंद से भर गया। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी, आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं, और अपने राष्ट्र अपने ध्वज इसके प्रति हम सब अपने गहरे कर्तव्य बोध दायित्व बोध सम्मान भाव से भरे रहें, ऐसी अनेक अनेक आकांक्षाएं और शुभकामनाएं। अनुमति दीजिए अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित हूँ। नमस्कार।